नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने ठंड को देखते हुए छा संघ चौराहा रेलवे स्टेशन एवं झूलेलाल मंदिर स्थित रैन बसेरा का किया रात्रिकालीन निरीक्षण। रैन बसेरे में रुके नागरिकों से की बात, अधिकारियों से कहा कोई भी व्यक्ति खुले आसमान के नीचे न सोने पाए उनको रैन बसेरे में करवाया जाए शिफ्ट। समाज सेवी धीरज गुप्ता द्वारा जरूरतमंदों में गर्म कपड़े कंबल व जूते दान हेतु मोहद्दीपुर में शिविर का किया गया आयोजन। मुख्य अतिथि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने शिविर में पहुंचकर 1000 जरूरतमंदों में किया कंबल गर्म कपड़े का वितरण। कहा ठंड के समय में इस तरह का कंबल वितरण का कार्य बहुत ही है सराहनीय। जनपद में पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद की अध्यक्षता में योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में चल रहे 2 दिवसीय अखिल भारतीय मछुआ राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। मुख्य अतिथि आंवला बरेली के सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने कहा कि सभी को समाज को शिक्षित करने के लिए करना चाहिए काम, तभी समाज का बच्चा बढ़ेगा आगे। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने संसद में हुई सुरक्षा में चूक पर कहा कि यह विपक्ष का है खेल, यह विपक्ष की राजनीति का है हिस्सा। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व राज्यसभा सांसद डॉ. राधा मोहन दास अग्रवाल ने राज्यसभा में पार्षदों, प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के लिए पेंशन देने पर कहा कि हम लोगों ने जनता के बीच में रहते हैं, हम आगे भी इनके लिए उठाते रहेंगे संसद में आवाज। गोरखपुर में रेलवे रोडवेज बस स्टेशन यातायात तिराहा गोलघर में पुलिस ने अतिक्रमण हटाओ चलाया अभियान। सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ की गई कार्रवाई, 984 वाहनों का काटा गया चालान, हटाया अतिक्रमण। मुख्यमंत्री के आदेश पर फूड विभाग ने कैरी ऑन फर्जी ढाबा समेत विभिन्न रेस्टोरेंट की जांच। एक ही फ्रीजर में रखा था नॉनवेज और वेज, पनीर के 4 नमूने संग्रहित कर भेजे गए प्रयोगशाला। सीएमओ ने जिला अस्पताल से हरी झंडी दिखाकर एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस को किया रवाना। कहा एडवांस लाइफ सपोर्टिंग एम्बुलेंस क्रिटिकल मरीजों को निशुल्क अस्पताल तक पहुंचाने में मिलेगी सहूलियत। शादी के चौथे दिन चौथ लेकर आए ससुराल वालों से दहेज की बात को लेकर की मारपीट, तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत, आगे की विधिक कार्रवाई में जुटी पुलिस।